गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरी डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2019 का सोशल साइंस का पेपर। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया? कौन से ईयर में जो है पहला जो कॉटन मिल जो है इंडिया में जो है सेटअप हुआ था, 1837 में, 1764 में, 1666 या फिर 1854? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी, 1854 में जो है फर्स्ट कॉटन मिल जो है सेटअप हुआ था, दैट वाज इन बॉम्बे। दिस वाज द फर्स्ट कॉटन मिल दैट वाज सेटअप। Which word refers to more than one level of government in the country? इसमें से कौन से टर्म जो है ये रेफर करती है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट जो है कंट्री में होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉवरेनिटी या फिर फेडरलिज्म? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, फेडरलिज्म, जहां पर कि आपकी जो है तीन टाइप से जो है गवर्नमेंट जो है वर्क करती है एक कंट्री में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट, नेक्स्ट इज जो आपकी जो है विलेजेस में होती है, दैट इज कॉल्ड पंचायत। ये जो होती है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंटर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, स्टेट में स्टेट, और आपकी विलेजेस में जो होती है आपकी वो पंचायत होती है। ये दीज आर द थ्री बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट मीन्स ये जो आपके विलेजेस को जो है इनको जो है लोकल गवर्नमेंट दी गई है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा? लोकसभा में जो है कितने एंग्लो इंडियन मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करा जाता है लोकसभा में, 4, 5, 2 और 6? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी, 2 आर द एंग्लो इंडियंस दैट आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा एंड दीज 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो दो एंग्लो इंडियंस जो है, करेंटली जो हमारी लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियंस जो बैठे हुए हैं, दोज इंडियन एमपीज, वन इज रिचर्ड हे फ्रॉम केरला, अनदर वन इज जॉर्ज बेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Which article of the constitution guarantees fundamental rights to an arrested person? Arrested person के लिए कौन सा fundamental rights जो है दिया गया है, यानी कि कौन से article के under? Article 35, Article 20, Article 25 या फिर Article 22? The correct answer for this is that is option D, Article 22, that is that consists of arrest in certain detention. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है हिरासत में नहीं लिया जाएगा, नो पर्सन विल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, उनको बिना इन्फॉर्म करे, और उस पर्सन को जो है विद इन 24 आवर्स जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होना होगा। हमारा आर्टिकल जो 20 है दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस, जहाँ पर कि हमें प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट कन्विक्शन। इसमें आपकी दो टर्म्स यूज होती हैं, वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनदर वन इज दैट इज योर नो डबल जियोपार्डी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आपका ये होता है कि जो भी क्राइम हमने आज किया, हमें जो सजा जो है जो आज के क्राइम के अकॉर्डिंग, आज के लोग के अकॉर्डिंग जो है हमें सजा मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी में ये होता है कि अगर एक जुर्म बार बार करे तो उसकी सजा जो है डबल नहीं, एक बार ही मिलेगी। आर्टिकल 25 दैट इज रिलेटेड टू योर राइट टू रिलीजन, जो कि 25 से 28 आर्टिकल के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन। और आर्टिकल 25 जो है हम किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर वॉज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट जो है पास, कौन से साल में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है पास करा गया है, 1980, 1989, 1971 या फिर 1974?
The correct answer is that is option B in 1989. The act was assented. Assented होता है स्वीकृति देना. किसके द्वारा? By the president on 11 September 1989. 11 September 1989 को जो है president के द्वारा जो है इस act को जो है स्वीकृति दे दी गई थी और published in the Gazette of India Part 2. डेटेड 12 सितंबर 1989. और जो ये पब्लिश हो गया था आपका गैजेट ऑफ इंडिया में पार्ट टू में 12 सितंबर 1989 को. और फोर्स में कब लेके आया गया? दैट वाज ऑन 30 जनवरी 1990. नेक्स्ट आता है विच फैक्टर डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल? रिलीफ, टाइम, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक. ये जो है और ऑलरेडी आपका एक और जो है सैंपल पेपर में जो है आरएमएस के बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है. नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल डू दिस. पेरेंट रॉक जो है द करेक्ट आंसर इज दैट इज टाइम. और नाउ विल डिस्कस द ऑप्शंस. पेरेंट रॉक जो है वो हमारा जो है सोइल का कलर जो है डिटरमाइन करता है, उसका टेक्सचर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है बताता है. वो आपका जो क्लाइमेट है दैट डिटरमाइंस टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस दैट इज ह्यूमिडिटी. टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल विच वॉज अवर क्वेश्चन. फ्लोराफोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये चीज क्या डिटरमाइन करती है? इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस का जो रेट है उसको जो है इफेक्ट करता है उसकी फॉर्मेशन को. नेक्स्ट आता है रिलीफ. रिलीफ दैट डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप और इट आल्सो डिटरमाइंस द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट आता है विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज बरिड सनशाइन? पेट्रोलियम, कोल, फायरवुड, न्यूक्लियर गैस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन बी. द कोल जो है इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज बरिड सनशाइन. कोल इज ऑफन कॉल्ड द बरिड सनशाइन. व्हाई इट इज कॉल्ड बरिड सनशाइन? रीजन बिकॉज इट डेवलप ये जो है डेवलप होता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीन्स. जो भी आपके प्लांट्स हैं और जो ग्रीन्स चीजें हैं जैसे कि उससे जो है ये डेवलप होता है कोल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बरिड सनशाइन दैट एग्जिस्टेड एज लॉन्ग एज 400 मिलियन ईयर्स अगो. जो कि 400 मिलियन ईयर्स पहले जो है एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक. द करेक्ट आंसर इज दैट इज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जो है आपके बोईसर नाम की जगह है इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट. तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड नियर बोईसर इन द ठाणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड दिस इज योर तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन. नाउ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज population density. The formula for this is that is your density of population is equal to population upon area. और ये जो है किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये मेजर करी जाती है. द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल आपकी पॉपुलेशन होगी टू द साइज ऑफ लैंड, यानी कि साइज ऑफ लैंड मींस एरिया. नेक्स्ट आता है व्हाट इज हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ? इस चीज को क्या बोला जाता है? टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल या फिर हाइडल एनर्जी. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल.
जियोथर्मल एनर्जी इज हीट दैट इज जनरेटेड विद इन द अर्थ, जो विद इन द अर्थ जो है जनरेट करी जाती है. जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट. अब आती है बात आपकी जो है टाइडल एनर्जी. ये जो है आपका इट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर, जो कि ये कन्वर्ट होती टाइड से किसमें, यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वेरियस मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को जो है यूज करके जो है इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पाई जाती है. नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कुछ भी कह लो. ये जो है इट इज ड्यू टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो कि रिलीज करी जाती है न्यूक्लियर एनर्जी से किस चीज को, टू जनरेट हीट. जो कि लेटर ऑन जो है जो कि यूज करी जाती है इन स्टीम टर्बाइंस में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट आता है आपका हाइडल एनर्जी. हाइडल एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये आपकी जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि यूज करी जाती है, यूजेस द पावर ऑफ मूविंग वाटर, जो आपके मूविंग वाटर है उसको यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट करा जाता है. नेक्स्ट आता है अ हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डबल बैरल गन एंड फील्ड मस्केट मैचलॉक मशीन गन. द करेक्ट आंसर इज दैट वॉज यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स अ हैवी गन कॉल्ड एंड फील्ड मस्केट, इसको जो है बोला जाता है. दिस ये जो गन जो है यूज करी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. नेक्स्ट आपका आता है हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 नियर कानपुर. अहमदुल्ला शाह, बाजीराव, नाना साहेब या फिर नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी. एक बार टेबल देखिए, इसमें जो है आपको जितने भी लीडर्स हैं वो पता चल जाएंगे. दिल्ली से जो है जिन्होंने लीड करा था वो थे बहादुर शाह टू और बकत खान, जो कि इनके कमांडर इन चीफ थे. और बनारस से जो थे वो थे लियाकत अली, और कानपुर से नाना साहेब और तांतिया टोपे. और एक और नेम दिया गया, मेनली जो लीड करा था नाना साहेब और तांतिया टोपे ने करा था, दैट इज अजमुल्ला खान. झांसी से आपकी थी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से जो थी वो थे खान बहादुर खान. और अवध बिहार से दैट वॉज वीर कुंवर सिंह. ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन दो बार आपके आरएमएस के ही पेपर में मैंने आपको पहले कराया था कि बिहार से जो है किसने जो है लड़ा था, दैट वॉज वीर कुंवर सिंह. और जो है अब इन्होंने कानपुर का पूछ लिया. नेक्स्ट आता है द मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज एडिटेड बाय, जो मराठी न्यूज़पेपर है वो केसरी जो है किनके द्वारा जो है लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सरोजनी नायडू या फिर लाला लाजपत राय. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज बाल गंगाधर तिलक. दिस वॉज द न्यूज पेपर. नेक्स्ट आता है आपका कि जो बिपिन चंद्र पाल है उनकी इम्पोर्टेंट जो है बुक्स कौन सी हैं. बिपिन चंद्र पाल ने जो लिखी थी दैट वॉज चरित, दूसरा था सॉल ऑफ इंडिया, Soul of India, A Constructive Study of Indian Thoughts and Ideas. Next, आपका आता है सरोजनी नायडू. First Indian woman President of INC, Indian National Congress की. और जो सरोजनी नायडू की जो important books हैं, that is The Golden Threshold,
और जो दूसरी है दैट इज वर्ड्स ऑफ फ्रीडम. आइडल्स ऑफ ए नेशन कंप्लीट नेम. देन आता है आपका लाला लाजपत राय. इनकी जो है काफी सारी लिखी है बट इम्पोर्टेंट वन बता रही हूँ मैं सबकी. यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया. नेक्स्ट आता है अ बुक ऑफ बेसिक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रीफेस, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन या रूल. दैट इज ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution of the country is a legal document according to which जो कि हमारी government जो है work करती है, functions करती है. A state which does not promote anyone religion as the state religion. उसको क्या बोला जाता है? Theocratic state, secular state, monarchical state या फिर federal state. That is option B, secular state, जहाँ पर कि जैसे कि आपको पता है इंडिया की जो है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. इंडिया जो है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रमोट नहीं करता है. इंडिया doesn't support a particular religion or it doesn't promote a particular religion. That is called a secular state. यहाँ पर जो है हर रिलीजन की जो है रिस्पेक्ट करी जाती है. हर जो है रिलीजन के जो लोग जो है रहते हैं हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी. दैट इज कॉल्ड सेक्युलर स्टेट. फेडरल स्टेट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मोर देन वन पावर जहाँ होती है. मोनार्कियल स्टेट वो होती है जो किंगडम साम्राज्य जिसे हम बोलते हैं कि हेरिडिटरी सक्सेशन रहता है, राजा के बाद उसका बेटा एंड उसके बाद उसका बेटा. थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर कि डीटी ऑफ सम टाइप यानी कि एक कोर्ट को जो है रिकॉग्नाइज करा जाता है एज ए सुप्रीम रूलिंग अथॉरिटी. द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज स्पीकर, इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट या फिर अटॉर्नी जनरल. दैट इज वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे देश के होते हैं वो जो है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का. इनका एज ए वाइस प्रेसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट कोई फंक्शंस नहीं होते हैं दैट इज टू बी परफॉर्म. तो ये जो है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वर्क करते हैं और इनको सैलरी भी जो है एज ए चेयरमैन की जो है मिलती है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे फर्स्ट लीगल ऑफिसर या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर, कुछ भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.